हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स तो आज आपको पता है कि आज क्या है सैटरडे राइट तो सैटरडे right? तो के अंदर हम क्या करते हैं वीकली एडिटोरियल एनालिसिस ठीक है बात करते हैं कि कल क्लास क्यों नहीं हुई देखो कल भारत बंद था हमने ट्राई की कि किसी तरह से क्लास हो जाए लेकिन पॉसिबल नहीं हुई तो जो फ्राइडे का करंट अफेयर है है ना जो हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर करते हैं उसको हम मंडे शिफ्ट कर देंगे तो मंडे होली है लेकिन फिर भी हम करंट अफेयर की क्लास उसके अंदर कवर करेंगे तो आज बहुत सारे जैसे एडिटोरियल के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बहुत सारे आपको विद द टाइम ऐसे एडिटोरियल मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं तो इस वीक भी बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल थे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एडिटोरियल आया स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर आया तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ थोड़ा थोड़ा उसका देखेंगे ठीक है ईरान डील के ऊपर फिर एक एडिटोरियल आया वो भी हमने किया हुआ है अफ़गान पीस के ऊपर भी आया ठीक है वो भी हमने डिटेल के अंदर किया हुआ है तो उसको हम तब उठाएंगे जब बहुत बड़ी कोई उसके अंदर अपडेशन ना हो जाए ठीक है तो हमने हर 360 डिग्री से वो सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ कुछ चेंजेस जो भी हैं उसको हम अभी विद इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं देखो जंक इन एफिशेंसी के ऊपर एक एडिटोरियल आया था स्क्रैपे पॉलिसी तो हमने नाइनथीन मार्च के अंदर जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने इसको डिटेल के अंदर इसका एनालिसिस किया था जो स्टूडेंट ने ये वो क्लास नहीं लगाई थी अब सपोज करो किसी स्टूडेंट को ये पता पता नहीं है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या था थोड़ा सा आइडिया तो मैं दूंगा लेकिन डिटेल के अंदर उसका हर एक पर्स्पेक्टिव हमने देखा था नाइन्टीन मार्च की वीडियो के अंदर ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया है तो ये वाला वो आपकी पी के अंदर भी होगा ये ठीक है इस वाली भी में होगा और उस टाइम के ऊपर जो हमने नाइनटीन मार्च के अंदर जो पी है उसके अंदर भी होगा स्क्रैपे पॉलिसी मैंने आपको बताया था जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा क्या है कि भाई जो भी वहीकल है ठीक है जी आपको पता है वहीकल के अंदर प्रॉब्लम क्या है इनएफिशिय है इनएफिशियसी है है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं तो इसके लिए मैंने बताया था ऑलरेडी हमने बी एस सिक्स भी लेके आए हैं ठीक है, है? बी एस सिक्स भी किसी दिन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ पे सल्फर और बाकी पोल्यूटेंट को कम किया गया है इसके अंदर और क्या किया गया कि जो गाड़ियाँ उनको भी डिज़ाइन किया गया अलग तरीके से है ना तो ये तो हमें समझ आता है कि भाई अब हम एफिशिएंसी की ओर जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन कम हो उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन व्हीकल लेकर आए ठीक है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हमने बहुत सारे ये भी पॉलिसी डिस्कस की हुई है मैंने कि वहाँ पे जो आयन बैटरी चाहिए तो आयन बैटरी के अंदर भी मैंने बताया था कि वो उसकी कॉस्ट जा रहा है तो इसलिए हमने अलमिनियम एयर बैटरी भी एक डिस्कस की थी उसके कम्पेरिजन के अंदर इसको बताया था अब बात करते हैं चलो ये तो नए व्हीकल के लिए हो गया लेकिन जो पुराने हैं उनका क्या तो गवर्नमेंट ने बोला कि उनको अगर वो पंद्रह और बीस साल का जो अलग अलग लिमिट दी गई है ना जो गवर्नमेंट और पब्लिक व्हीकल है पंद्रह और प्राइवेट को बीस साल अगर मान लो वो टेस्ट पास नहीं करते पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं तो उनको हम स्क्रैप कर देंगे ठीक है जी स्क्रैप करके तो इसका बेनिफिट किसको होगा देखो दो बेनिफिट हैं एक तो जब स्क्रैप करोगे तो वो बंदा नया व्हीकल लेगा अब नया व्हीकल लेगा तो उससे क्या होगा नया व्हीकल लेगा तो उससे पोल्यूशन जो है कम होगा है ना क्योंकि नया व्हीकल कौन सा होगा बी होगा उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको क्या बेनिफिट होगा कि उनके वहीकल बिकेंगे और क्या होगा दोस्तों उससे हमारा बहुत ज्यादा ठीक है उससे हमारा बहुत ज़्यादा क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी ठीक है और कंजप्शन होगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी ये आइडिया है इसका तो मैंने ये आपको बताया था कि प्राइवेट वहीकल 20 साल अगर मान लो उनके पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसकी भी फीस बढ़ा दी मान लो आपका व्हीकल पुराना है आप रजिस्टर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो वहां पे उसकी फीस बढ़ा दी ठीक है और वहाँ पे टेस्ट भी होगा कि क्या वहीकल आपका अब चलने लायक है या नहीं है तो ये हमने उस क्लास के अंदर डिस्कस किया था ठीक है अब बात करता हूँ तो अब सवाल ये है कि इसके अंदर बेनिफिट होगा तभी तो लेंगे जैसे आप पुराना जैसे आपको बोला जाता है कि अभी पुरानी वॉशिंग मशीन ले आओ और नई ले जाओ अब सेम कंपनी की ठीक है वो ई पी आर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी आता है कि मान लो जैसे मैंने आपको बताया था ये भी डिटेल के अंदर कि सपोज करो कि किसी कोई मैन्युफैक्चरर है ना प्रोड्यूसर है उसने कोई वॉशिंग मशीन बनाई है अब उसका जो ई e वेस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ठीक है ये भी हमने अलग अलग एक्ट के अंदर देखा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको उसने ख़त्म करना है ठीक है तो जब इसको उसने ख़त्म करना है तो दोस्तों क्या होगा तो उसके अंदर क्या ठीक है तो अब जब उसको उसने ख़त्म करना है तो वो क्या करता है कि वो वापस ले लेता है कि आप अपना पुराना वाला ले आओ ताकि उसका ई वेस्ट ज़्यादा जनरेट ना हो दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि म्यूनसिपल काउंसिल के पास चला जाए वहाँ पे पैसे दे दे भाई आप इसको खत्म कर दो ठीक है डिस्पोज कर दो तो वहाँ पे प्रोड्यूसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है ठीक है अब इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे तभी तो कोई पुराने व्हीकल को देगा और नए व्हीकल को लेगा है ना अदरवाइज़ क्या होगा गांव के अंदर वैसे चलता रहेगा तो टैक्स पेड की भी बात की गई थी तो ये हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ठीक है ये मैं मैंने डिस्कस कर दिया था कि पंद्रह और बीस साल के अंदर वो सारा सिस्टम है सिग्निफिकेंस क्या है मैंने आपको बता दिया कोविड है कोविड के टाइम पे जैसे मान लो थोड़ा सा अगर हम और बैक जाते हैं तो डीमोनेटाइजेशन आई डीमोनेटाइजेशन के अंदर जो कैश था वो कम हो गया और कैश मैक्सिमम कहाँ पे चलता है आपका आ, रूरल एरिया के अंदर विलेजेस के अंदर और उस टाइम पे ये देखा गया कि रूरल एरिया के अंदर जब कैश नहीं है तो वहाँ पे जो टू व्हीलर थे टू व्हीलर टू व्हीलर की जो दोस्तों कंजप्शन है बहुत कम होगी क्यों कम होगी क्योंकि जो मैक्सिमम लोग खरीदते हैं वो टू व्हीलर वो कौन से खरीदते हैं जो गांव के हैं ठीक है तो इसीलिए वहाँ पे उनके पास तो उनकी इकोनॉमी भी कैच पे ज़्यादा चलती है तो डीमोनेटाइजेशन देखा गया देन जीएसटी आ गया जीएसटी के अंदर भी छोटी कंपनीज हैं उनको पता ही नहीं था कैसे रजिस्टर करना है और वो सारा वहाँ पे सिस्टम और स्लो हो गया अब उसके बाद कोविड आ गया तो ये सारा तीन जो बैक टू बैक जो स्लो डाउन हुए हैं उसके कारण अब पॉलिस इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है ठीक है तो आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो किसी भी तरीके से अब इस एडिटोरियल के अंदर जो द हिंदू के अंदर आया था इसके अंदर इसने चैलेंजे और सोल्यूशन डिस्कस किए ऑलरेडी मैंने करवा दिए ये भी उसके अंदर डिस्कस किए थे लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपको तसली नहीं होती कि जब तक हमने एडिटोरियल के अंदर क्या था पता नहीं हमने पढ़ा नहीं कुछ नया तो नहीं आ गया एक तो उसने बोला कि जो हैवी कमर्शियल वहीकल है है ना उनका फिटनेस सर्टिफिकेट उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है ठीक है वो बिगेस्ट चैलेंज है अभी आपको पता है कितने ये ट्रक और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं ठीक है ये प्रॉब्लम है दूसरे के उसके उसने ये बोला कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक ऐसा होगा जो गवर्नमेंट को बिलोंग व्हीकल करते उसको हम स्क्रैप कर देंगे और बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हम सब कुछ कर देंगे तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है तीसरा उसने बोला कि स्टेट जो स्टेट्स हैं उनको रोल प्ले करना पड़ेगा जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आया हमारा उसके अंदर बहुत सारी स्टेट ने अपोज़ किया भाई इतना इतना उतनी गाड़ी की वैल्यू नहीं जितना हमारा चलाना हो जाता है है ना तो वहाँ पे उन्होंने अपोज़ किया ये बोलते हैं कि जब स्टेट जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसके अंदर भी स्टेट ने अपोज़ किया तो इस पॉलिसी को भी अगर सक्सेसफुल बनाना है तो स्टेट के इन्वॉल्वमेंट जरूरी है मतलब अगर आपको पॉलिटी के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो ये किसका कॉपरेटिव फेडरलिज्म कॉपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट कॉपरेट करेंगी एक दूसरे से तभी काम हमारा चलेगा तो यहाँ पर आपका कॉपरेटिव फेडरलिज्म की एक्जाम्पल आ गई कि जहाँ पर ज़रूरत है ठीक है जी उसके बाद इसने ये हमने डिस्कस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट वो रोड टैक्स वगैरह वो सारा उसके अंदर इन्वॉल्व हो ताकि बेनिफिट भी मिले लोगों को और ये उसने बोला मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 वो उसने डिस्कस किया तो हमने ऑल एंड ऑल सर प्रीलिम 2021 के पहले ये एडिटोरियल स्किप कर सकते हैं देखो एडिटोरियल स्किप करना आपने स्किप नहीं करना उसका रीजन दो है जैसे इस एडिटोरियल के अंदर मैंने प्रीलिम की भी इन्फॉर्मेशन है मेंस की तो नहीं ऐसा नहीं है मैं एडिटोरियल देखा वहां पे मैंने पिक्चर लगा दी उसके अंदर क्या क्या बोला गया वो मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर वेरियस एस्पेक्ट देखते हैं अगर आजकल आप यूपीएससी पी प्रीलिम का एग्जाम देखोगे तो बहुत सारा ऐसा होता है कि जो मेंस की प्रिपरेशन अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेस के ऊपर आप बहुत से क्वेश्चन निकालते हो तो अगर आपने ये वीडियो है जैसे इसको आप क्या करो 1.25 देख लो जहाँ पे मैं मेंस के परस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप जिसने इस बार देना है उसको लगता है अगर उसके पास टाइम कम है तब उसको स्किप कर दो दूसरा सोल्यूशन ये है मान लो आप कोई ना कोई काम कर रहे हो ठीक है आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर खाना खा रहे हो या कुछ कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे वीडियो को 1.25 करके चला लो ठीक है जहाँ पे आपको लगेगा आपका पॉइंट नोट करना है वहाँ पे या तो टाइम नोट कर लो या फिर आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जब आप अपनी बुक्स के पास बैठोगे वहाँ पर स्क्रीन जो लिया हुआ उसी टाइम पर खोल के अपना वो नोट्स के अंदर ऐड कर लो बस यही काम करना है आपने ताकि आपका टाइम भी बचेगा ठीक है जी शुभ ने पूछा है ठीक है प्री के बाद में ये एडिटोरियल पढ़ लें मैंने बता दिया आपको ठीक है तो आपने ये करना है क्योंकि एडिटोरियल के बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड तभी हो पाएगा अगर आपने उसके वेरियस एस्पेक्ट देखे हुए हैं ठीक है तो ये हमने याद रखना है ठीक है उसके बाद क्या बोला है रिवार्ड देना है ए, स्टेट ने सेंटर को मैंने बता दिया आपको ठीक है जी ये सारा दूसरा इकोलॉजिकल एक, एको, इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम पड़े एन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम पड़े कैसे पड़ेगा जब हम पोल्यूशन की बात करेंगे पोल्यूशन कम हो अब इसका एक और क्रिटिसिज्म है ठीक है जी वो बोलते हैं भाई आपने टाइम लिमिट क्यों सेट की है टाइम लिमिट क्यों सेट की ऐसा तो नहीं है कि व्हीकल मान लो अगर उसने सर्विस वगैरह नहीं कराई तो पांच साल बाद भी तो पोल्यूशन ज्यादा करता है है ना तो रेदर देन के भाई हम बोले पंद्रह साल या बीस साल इससे अच्छा क्या है हम फिटनेस के ऊपर उसके ध्यान दें ठीक है कितना व्हीकल फिट है जो हम पोल्यूशन करवाते हैं आप पैसे देते हो वो आरसी देखता है फोटो खींच के आपको बोलता है हो गया पोल्यूशन लेकिन यहाँ पे वो चेक तो नहीं इतना करता कि कितना है कितना नहीं अगर मान लो वो बोले पोल्यूशन जा रहा है आप पचास और देते हो और वो बोलता है ठीक है अब पोल्यूशन ठीक है ठीक है तो हमने क्या करना है दोस्तों यहाँ पे फिटनेस के ऊपर ध्यान दो चाहे वो एक साल पुराना हो ठीक है आगे चलते हैं राइजिंग पावर्टी राइजिंग पावर्टी ये भी प्यूर रिपोर्ट आई थी ट्वेंटी मार्च की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था ठीक है इसके अंदर एक दो पॉइंट और हैं ये पॉवर्टी की रिपोर्ट है जो मैंने उसके अंदर डिस्कस की थी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोविड के चलते विद द इंक्रीज इन कोविड केसेस क्या हो रहा है हमारा जो पॉवर्टी भी इंक्रीज़ हो रही है ये भी मैंने आपको एंगल बताया था क्यों इंक्रीज़ हो रही है कोविड के कारण जो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पुअर के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि यही लोग हैं जो लेबर वाले थे यही लोग हैं जो फिजिकल कहाँ पे जॉब करते थे जो रिच पीपल हैं थोड़ा मिड और रिच के लेवल के हैं वो क्या करते थे ऑनलाइन वो उनका काम चल गया है ना वर्क फ्राम होम तो उनका तो चल रहा है दूसरा ये पुअर लोग जो मैक्सिमम माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर काम करते हैं अब इसके पास भी इतना पैसा नहीं इनको वर्क फ्रॉम होम दे दे ठीक है तो वहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट पुअर के ऊपर पड़ा और जो पुअर लाइन से जो बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर थे उनके पास भी कम पैसे हो गए कोविड के कारण वो भी पावर्टी लाइन के अंदर आ गए ठीक है जी तो ये हमने डिस्कस किया था थाल कार्तिक गुप्ता ने एक्चुअली मैंने ये कल डिस्कस करनी थी स्विज कनाल आपसे ठीक है तो हमारी कल जो वीडियो थी वो भारत बंद की वजह से हुई नहीं ठीक है वो मंडे होगी तो मंडे में डिस्कस कर दूँगा स्विज कनाल के अंदर कि कैसे ब्रिटिश और फ्रांस ने पहले स्टार्ट किया और उसके बाद नेशनलाइजेशन हुई स्विज कनाल की जो वर्ल्ड वार टू के बाद और उसके बाद जब इसराइल ने अटैक किया और यू के और यू की हेल्प से बाद में उन्होंने तो सुइज कनाल को वापस ले गए और जहाँ पे अभी ब्लॉकेज आई है ठीक है जी तो वो मैं सारा उसके अंदर डिस्कस करूँगा और मैप भी दिखाऊंगा मैंने वो एक्चुअली पूरी पीडीएफ भी प्रिपेयर्ड है लेकिन वो कल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हुआ ही नहीं ठीक है जी तो ये तो हमने डिस्कस किया है ग्लोबल सिनेरियो के अंदर लेकिन यहाँ पर एक बात उसने की थी मैंने हमने आपको करवाया था कि चाइना की मिडिल क्लास को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा अब इस एडिटोरियल ने उसी बात के ऊपर डिस्कस किया कि भाई चाइना चाइना के ऊपर इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि दोनों का जो बेस ईयर लिया गया था जहाँ से उन्होंने कंजप्शन कितनी है ना और कितनी उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो अलग अलग है इंडिया का 2011 और 2016 चाइना का लिया गया तो इसलिए वो बोलता है इतना कंपेयर हम इनको कर नहीं सकते ठीक है जी बाकी वही जो उसके अंदर है, इसी एडिटोरियल के अंदर इसलिए लिखा गया जो इनिक्वलिटी है इनक्रीज कर रही है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसके अलावा इसके अंदर कोई खास काम नहीं है ठीक है ओके उसके बाद इसने ये भी बोला है कि जो पॉवर्टी है वो और इंक्रीज कर रही है लेकिन यह भी हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ उस वीडियो के अंदर भी और अभी भी मैंने आपको बताया ठीक है तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना खास कुछ नहीं था सर यू एक्सप्लेन ओजोन लेयर इन डी एन डी प्लीज टेल मी डेट यार डेट याद नहीं है मुझे हाँ मैं अभी वजन का अभी टाइम मिला लास्ट के अंदर अगर लगा मुझे कि जल्दी हो रही वीडियो कर दूंगा अदरवाइज़ मंडे की वीडियो थोड़ी बड़ी बना देंगे उसके अंदर दोबारा कर दूंगा हो सकता है मैं डेट भी बता दूंगा आपको अगर मुझे याद हुई तीसरा आर्टिकल आया था दोस्तों ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमने ए टू जेड इसकी डिटेल की हालांकि उस टाइम पे एडिटोरियल एक दो ही आए थे लेकिन हमने तब भी ऑलरेडी वो सारा कवर कर लिया था ठीक है थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इसके अंदर क्या है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनती है दोस्तों ठीक है नाइनटीन के अंदर तो इसका काम क्या था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ठीक है तो मैं आपको एक ही स्लाइड के ऊपर सारी स्टोरी बना दे, बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट नए होंगे कुछ ने किया नहीं होगा ठीक है जी ओके इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी बनती है इसका काम क्या था न्यूक्लियर जो मटीरियल है उसको पीसफुल यूज करना है ठीक है तो ये काम हो गया उसके बाद नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी बनती है होती है ये ट्रीटी ये बोलती है कि कोई भी कंट्री ठीक है जो पीसफुल न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ करना है उसको एक्सप्लोजिव बनाने के लिए काम नहीं कर सकती ठीक है जी तो इसने एक्सप्लोजिव के लिए बैन कर दिया लेकिन इसने न्यूक्लियर स्टेट और नॉन न्यूक्लियर स्टेट दो में कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियर स्टेट इसने बोला जो पी फाइव है परमानेंट पांच मेंबर हैं वो न्यूक्लियर स्टेट हैं और अराउंड 1967 के बाद जो भी कंट्री ने न्यूक्लियर मटीरियल एक्सप्लोजन किया है या फिर टेस्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट वो न्यूक्लियर कंट्री नहीं है तो इंडिया ने नाइनटीन के अंदर किया था है ना इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा ठीक है जी तो इंडिया ने 1974 के अंदर किया तो मान लो अब इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो क्या इंडिया अब न्यूक्लियर स्टेट होगा नहीं तो इंडिया को अगर ज्वाइन कर तो कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा नॉन न्यूक्लियर स्टेट तो इंडिया वो चाहता नहीं ठीक है तो इसलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया अब बात करते हैं ईरान ईरान ने इसको ज्वाइन कर लिया उस टाइम के ऊपर ठीक है तो यहीं से जो प्रॉब्लम मेन स्टार्ट हुई न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी के अंदर जो आर्टिकल थ्री है उसके अंदर लिखा गया है कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल का एनरिचमेंट करेगा है ना जो मान लो बम बनाने के लिए उसकी जो न्यूक्लियर यूरेनियम 235 को इंक्रीज करेगा उसको सारा विजिलेंस करेगा इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी ये आर्टिकल के अंदर भी उन्होंने वही डिटेल की हमने ऑलरेडी भी की हुई है इंटरनेशनल एनर्जी मतलब जो भी एन का मेंबर होगा उसके जो भी मटीरियल है क्या वो पीसफुली यूज़ कर रहा है या इनक्रीज कर रहा है उसको कौन देखेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ठीक है तो सच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अगर आपको एग्जाम में आता है एनपीटी का पार्ट है नहीं है ठीक है लेकिन उसके एक आर्टिकल थ्री के अंदर सेफगार्ड मैकेनिज्म इंक्लूड किया गया है ये इस लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था सेफ गार्ड मेकनिज्म ठीक है जी तो वो इंक्लूड किया गया ये हो गया अब ईरान इसका मेंबर था ईरान ने क्या किया यूरेनियम 235 को इनरिच करना स्टार्ट कर दिया ठीक है क्योंकि जितना यूरेनियम 235 को हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे जो बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए काम आता है हमारा तो अब इनको लगा कि भाई ये तो बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो यहाँ पे इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी इसको चेक कर लेता है भाई ईरान गलत काम कर रहा है अब जैसे ये पता चलता है उसके बाद यू एस उसके ऊपर सेंकशन लगा देता है कि भाई कोई भी अगर ईरान के साथ कोई भी ट्रेड करेगा तो उसको हम बैन कर देंगे ठीक है तो ये प्रॉब्लम होगी उसके बाद पी फाइव कंट्रीज जो परमानेंट पाँच है प्लस वन जर्मनी ये क्या करते हैं जे सी पी ओ ए लेके आते हैं ठीक है जी प्लान ऑफ एक्शन ये ईरान को बोलते हैं कि चल ठीक है जो तूने ये काम किया ठीक है आपको ये भी मैंने बताया था न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट में करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्री फ्यूज सेंट्री फ्यूज ठीक है ये भी इंक्रीज कर दिए क्योंकि जितना आप यूरेनियम उसके अंदर डालोगे यूरेनियम 235 थर्टी फाइव प्लस टू एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से जो उसके अंदर कमेंट के अंदर कि यूरेनियम 235 किसकी परसेंटेज है यूरेनियम 238 के कंटेक्स के अंदर देखते हैं हम हमें चाहिए यूरेनियम 235 ठीक है तो सेंट्री भी इंक्रीज़ कर रहा था तो उन्होंने बोला भाई ठीक है इन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन लिया है इन्होंने ये बोल दिया कि चलो ठीक है तुम तुम ऐसा करो अपने सेंट्री फ्यूज का नंबर डिक्रीज़ कर दो जिससे इनरिचमेंट होती है और इनरिचमेंट वाला बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए जो यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो वो कम कर दो ये बात होगी तो उसके बाद ट्रंप आ गया ट्रंप ने बोला कि नहीं उसने जे सी पी ओ के पी ओ ए को कैंसिल कर दिया कि भाई ये गलत है उसके बाद फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, थी तीन ठीक है उनको लगा कि जैसे फ्रांस यू के ठीक है और जर्मनी इन तीनों को लगा कि भाई ये तो ट्रंप गलत कर रहा है तो इन्होंने एक और नया सिस्टम निकाल दिया इंस टैक्स सिस्टम इस टैक्स सिस्टम के अंदर ये था कि हम ऐसा जैसे यू यूएस ने सेंक्शन लगाया हुआ था मान लो अगर वो डॉलर यूज़ करते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती तो इन्होंने एक देसी तरीका निकाल दिया बाटर सिस्टम कि हम डॉलर के अंदर नहीं बाकी और किसी करेंसी के अंदर तुमसे ट्रेड करेंगे ऑयल वगैरह ख़रीदेंगे ईरान को बोल दिया लेकिन ये भी इसका भी कुछ बाद में कुछ हुआ ही नहीं चला ही नहीं आगे ठीक है तो अब ईरान को क्या लगा ईरान कहता है भाई ये तो काम खराब है तो ईरान ने दोबारा इनरिचमेंट करनी स्टार्ट कर दी अब जो आर्टिकल है ये बोलता है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है क्यों निकाल सकती है क्योंकि ईरान ने अभी भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को अपने जो न्यूक्लियर के ऊपर सर्वेलेंस के लिए अलाउ किया हुआ तो बोलता है आर्टिकल बोलता है कि इंटरनेशनल एनर्जी ही कुछ इसका पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकती है ठीक है जी ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ का डी एन डी वर्कशीट इज मिसिंग काइंडली प्रोवाइड द डाउनलोड लिंक मैंने प्रोवाइड किया है मैं चेक कर लूँगा एक बार संगीता ठीक है जी तो मैं एक बार चेक कर लूँगा उसको ठीक है ओके तो ये उसने ये वाला आर्टिकल आपका आया था ठीक है जी रेस्क्यूड बाई इंटरनेशनल ऑटोमिकर्जी एजेंसी तो यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी एट्थ मार्च के अंदर डिस्कस किया हुआ है ये वाला सारा ठीक है यहाँ पे मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट अगर 90 परसेंट चलेगी तो वेपन बनेगा ठीक है इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था तो यही हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए यही मैं बोल रहा था कि बीच बीच में प्री आते हैं वो आप देख लेना जरूर ठीक है जी उसके बाद दोस्तों एन के बारे में बताया था इसके ऊपर भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ठीक है नॉन प्रोबेशन एन पी टी का क्या क्या टारगेट है वो मैंने बताए थे एन ने पीसफुल यूज़ के लिए बोला है और कौन से मेम्बर नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कौन से कौन मेंबर नहीं है ठीक है साउथ सूडान ईरान और सॉरी इंडिया इसराइल पाकिस्तान तो क्योंकि ईरान अभी न्यूज़ के अंदर है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया था कि मैं अभी मेंबर नहीं हूँ पहले साइन करके लेकिन उन्होंने अभी उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू उनकी ऑफिशियल साइट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है ठीक है उसके बाद मैंने बताया था एटम फॉर पीस ठीक है इनक्रीज़ इनरिचमेंट इनक्रीज़ की गई उसके बाद हमने जे के बारे में डिस्कस कर लिया जो कंट्रीज ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था ठीक है पी प्लस वन ने उसके बाद इसके अंदर क्या क्या था कि अपना सेंट्रिक फ्यूज डिक्रीज़ करना लेकिन ये हम लिए, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ आपने मोटा मोटा याद रखना कि सेंट्रिक फ्यूज डिक्रीज़ करने के लिए और न्यूक्लियर मेटीरियल को डिक्रीज़ करने के लिए ठीक है जी क्योंकि इसके अंदर कोई ये अभी की अपडेट नहीं है उसके बाद मैंने ये भी बताया था अगर मान लो जे हो जाता है मतलब ईरान को परमिशन मिल जाती है तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा शाहबार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है ये पाकिस्तान डेवलप कर रहा है तो यहाँ पर इंडिया को अगर यहाँ परमिशन मिल जाती है ना मान लो सेंक्शन ख़त्म हो जाते हैं और ईरान का ट्रेड इंक्रीज़ होता है तो इंडिया को यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा इंडिया का ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से पाकिस्तान को रोड है तो सॉरी अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान की भी हो जाएगी हम पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे यहाँ से ठीक है उसके बाद हम सेंट्रल एशिया के अंदर भी चले जाएंगे यहाँ से और यूरोप के अंदर ताकि हमारा ट्रेड भी इंक्रीज हो जैसे चाइना ने वन बेल्ट वन रोड वाला कंसेप्ट है वो पूरा सेंट्रल एशिया को जा रहा है क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सारे ऑयल और गैसेज हैं और वो भी हमें टैप करने हैं क्यों टैप करने हैं क्योंकि मैंने बताया था वेस्ट एशिया के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस है और हमें एक अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा ठीक है इंटरनेशनल तो ये आर्टिक आर्टिकल क्या बोलता है इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी का क्या रोल है ईरान ऑल्सो एग्री मैंने बताया कि ईरान एग्री कर गया है कि जो आई ए ई ए वो उसका सर्विलेंस कर दे है ना तो ये हमने अभी डिस्कस किया उसके बाद क्या है ये भी मैंने बता दिया कि आर्टिकल थ्री के अंदर एन पी टी के अंदर जो इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी को एक परमिशन मिली हुई है कि कोई भी कंट्री अगर एन पी टी की मेम्बर है तो वो कर सकती है अब सवाल आपसे मैंने ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इंडिया के अंदर इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है लेकिन क्या इंडिया के ऊपर जो इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी है वो सर्वेलेंस करती है जो न्यूक्लियर मटीरियल का है कुछ बताओ अगर किसी को पता है ठीक है उसके बाद एनपीटी के दो काम है मैंने बता दिया डेवलपमेंट एप्लीकेशन न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल यूज के लिए करना है और इंटरनेशनल सेफ गार्ड मैकेनिज़म न्यूक्लियर मैकेनिज़म कहाँ पर यह लिखा है एन पी टी के अंदर लिखा है ध्यान रखना आपके एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए ठीक है जी तो ये उसने बता दिया कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस हैं उनको कंटेन करने के लिए जो एन पी टी के अंदर कौन किसकी जिम्मेवारी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो यही आर्टिकल था ऑलरेडी हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ था टोटली ठीक है लास्ट वीडियो के अंदर भी जो मैंने बताई आपको और ये वाली भी उसके बाद करते हैं बात साउथ एशिया के अंदर पावर डील की अब ध्यान से सुना है इसको देखो इंडिया ठीक है ये पावर डील के अंदर ये बोला गया मान लो ठीक है ये बोला गया दोस्तों कि मान लो अपना यहाँ पे नेपाल है नेपाल के अंदर कोई कंपनी एक पावर प्लांट बनाती है पावर प्लांट बनाती है यहाँ पे आपको पता है नेपाल भूटान और इंडिया इंडिया क्या कर रहा है जैसे मैंने आपको बांग्लादेश के थ्रू भी बताया था कि इंडिया बांग्लादेश को सोच रहा है हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करें और बांग्लादेश आगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमारे ट्रांसफ़र कर देगा क्योंकि हमें अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उसका चार्जेस पड़ेंगे ठीक है तो दूसरी बात करते हैं कि जो नेपाल नेपाल भूटान वगैरह ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया का जो पावर डील चलती रहती है ठीक है ये तो चलो हमें समझ आ गया अब इन्होंने एक और नया ले है मान लो नेपाल के अंदर कोई कंपनी है चाइनीज़ चाइनीज़ कंपनी है वो नेपाल के अंदर पावर प्लांट लगा दिया उसने ठीक है लेकिन इस कंपनी का इंडिया के साथ कोई भी पावर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है पावर कोपरेटिव एग्रीमेंट नहीं है मान लो सपोज करो ठीक है तो वो इंडिया के साथ पावर नहीं शेयर कर सकती ये नया रूल लेके आए समझे आप दोबारा समझाता हूँ मान लो नेपाल है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है अब इस कोई और कंपनी तीसरी कंट्री की थर्ड कंट्री है ना चाइना थर्ड कंट्री है इंडिया फर्स्ट है नेपाल सेकेंड है और ये थर्ड ठीक है अब चाइना क्या करता है यहाँ पे जो नेपाल के अंदर पावर प्लांट के अंदर इन्वेस्ट कर देता है और उस पावर प्लांट से इंडिया को एनर्जी ट्रांसफर करने की जरूरत कोशिश करता है इलेक्ट्रिसिटी तो वो अब पॉसिबल नहीं है ठीक है ये इन्होंने नया नहीं एग्रीमेंट लेके आए रीज़न क्या है क्योंकि चाइना को हमने सुप्रेस करना है थोड़ा सा चाइना अपना बहुत सारे क्यों रीज़न क्या है जैसे नेपाल है नेपाल का ही आपको पता है इंडिया के साथ रिलेशन थोड़ा सा खराब हो गया है ठीक है दूसरा भूटान भूटान के साथ भी आपको पता है चाइना और इंडिया और नेपाल का रहता है अब बांग्लादेश बांग्लादेश के अंदर भी चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बांग्लादेश वन रोड वन बेल्ट का मेंबर भी है उसके बाद म्यांमार तो जिन, जितनी इंडिया के सराउंडिंग जो अपनी कंट्रीज़ हैं इनके अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है इंडिया को टेंशन है क्योंकि इंडिया ने एक जैसे श्रीलंका का भी हमने किया था श्रीलंका के अंदर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है तो इंडिया को क्या टेंशन है इंडिया को ये टेंशन है कि इंडिया अगर मान लो इन सभी कंट्री के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी तो चाइना करता गया चाइना बहुत सारा लोन दे देता है जैसे पाकिस्तान को दिया हुआ और वो सारी उम्र दूसरी कंट्री लोन नहीं दे वापस दे पाती और चाइना वहाँ पे वो चाइना मतलब उसके ऊपर जो उसको बाद में कंटेन करने की कोशिश करता है तो इंडिया को यह है कि अगर सारी कंट्री के अंदर ये चाइना इन्वेस्टमेंट करता गया उनमें से एक इन्वेस्टमेंट ये भी है पावर प्लांट पावर प्लांट के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा तो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और इसीलिए ये इन्होंने काम किया है लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखो इसका इम्पैक्ट ये है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट कि जो भी हम करेंगे पहले नेबर के साथ करेंगे ठीक है चाहे वो अच्छा चाहे बुरा ठीक है तो नेबरहुड फर्स्ट है तो यहाँ पे जो नेबर के साथ जो रिलेशन ख़राब होने का टेंशन में दूसरी बात ज़रूरी नहीं है चाइनीज़ कोई और कंट्री की भी कंपनी हो सकती है है ना तो ये तो हमें समझ आ गया इसके अंदर एक और कंटेक्सट है कि इंडिया के अंदर जो भी जिन कंट्री के मान लो नेपाल के अंदर ये पावर प्लान था तो नेपाल से भी रिलेशन कम होने खराब है प्रॉब्लम है है ना तो यहाँ पे हमने ये बस देखना है तो ये इसके अंदर मैंने बता दिया कि प्लांट ओन्ड बाय कंपनी सिचुएटेड इन थर्ड कंट्री जैसे मैंने चाइना की एग्जाम्पल दी शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया एंड डू नॉट हैव बाइलेटरल एग्रीमेंट और जो लैंड बॉर्डर इंडिया से जैसे चाइना भी शेयर करती है पर वहाँ पे कोई भी इंडिया के साथ उसका बाइलेटरल एग्रीमेंट ना हो उस कंट्री को इसने इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि वो पावर शेयर नहीं कर सकती तो ये हमारा आज का इसके अंदर था ठीक है उसके बाद न्यू रूल मैंने बता दिया यही है वही जो वहाँ पे लिखी हुई थी लाइन उसी को डिटेल के अंदर लिखा हुआ है ठीक है आगे एडवांटेज क्या है ठीक है जी इंडिया को कि इंडिया जो साउथ एशिया के मिडल के अंदर है तो बहुत सारी कंट्रीज हैं साइडों पर है ना तो इंडिया सभी के साथ ज़्यादातर क्या करता है बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया को मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल सकता है नंबर वन नंबर टू प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं है ना क्योंकि सभी हमारे बॉर्डर के साथ लगती है इशू मैंने बता दिया आपको के डिस्प्लेजर है है ना नेबरिंग कंट्री के लिए कि भाई वो ये क्या हो रहा है ठीक है ओके okay. उसके बाद आगे चलते हैं इंडिया ने ये भी ये इंपॉर्टेंट है उसने बोला वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेट इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि भाई जो जितनी कंट्री है जैसे स्पेशली एशियन कंट्रीज है ना वेस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया अफ्रीका तो उनका क्या है कि वहाँ पे जो भी रीन्यूएबल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जैसे सन है सन कभी सेट नहीं होता मान लो पहले जापान के अंदर निकला हुआ है उसके बाद इंडिया है ना जो इंडिया के अंदर आया फिर अफ्रीका के अंदर धीरे धीरे ऐसे अर्थ घूमती है जब ठीक है तो वो बोलते हैं कि अलग अलग कंट्री अलग अलग टाइम के ऊपर जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो जिस कंट्री के अंदर डेफिसिट है उसको दूसरी कंट्री सप्लाई कर देगी तो वहाँ पे एक ग्रिड बना लेते हैं जैसे मान लो आपके ग्रिड हमारे इंडिया के नॉर्थ साउथ है ना ईस्ट वेस्ट तो वो सारे ग्रिड को हमने कनेक्ट करने की स्टा ए, कोशिश की ताकि अगर मान लो नॉर्थ ग्रिड के अंदर सप्लाई कम है ठीक है पूरे ग्रिड के अंदर तो हम दूसरे ग्रिड से वहाँ पर सप्लाई कर दे तो वहीं पर इन्होंने बोला कि हम एक ग्रिड बनाएंगे सर इंडस वाटर ट्रीटी मैंने डिस्कस कर दी है कार्तिक डिस्कस कर दी है मैंने इंडस वाटर ट्रीटी मैं हाँ मैं जरूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोबारा डिस्कस करनी है तो बोलो मैं दोबारा कर दूंगा ठीक है आई थिंक लास्ट क्लास के अंदर ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस की है ठीक है तो इशू क्या है पोलिटिकल रियलिटीज हेम्पर और ये सारा बॉर्डरलेस एरिया जो भी बॉर्डर के अंदर प्रॉब्लम होगी वो क्रिएट हो जाएगी तो आपने प्री के लिए याद रखना है ठीक है ओसो वो ये ऐसा हो सकता है ओसो वॉग ही यूपीएससी पूछ ले सीधा न्यूज़ के अंदर ठीक है ओके सर इंडस ठीक है आगे चलते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के अंदर है देखो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के जब आप करने जा रहे हो तो यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखना एक तो हमारा है पोरस बॉर्डर पोरस बॉर्डर है है ना तो जब पोरस बॉर्डर है तो बहुत सारा जो इलीगल ट्रेड है इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू अंदर बाहर होता रहता है तो यहाँ पर एक हो गया तो यहाँ पर पहला क्या आ गया हमारा इलीगल ट्रेड ठीक है जी दूसरी बात बहुत सारे माइग्रेंट आपको पता है ना पहले म्यांमार से बांग्लादेश बांग्लादेश से इंडिया के अंदर भी आए हैं बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो भी आए हैं तो इलीगल माइग्रेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं इलीगल माइग्रेंट को निकालने के लिए हमने क्या लाया एन आर लेके ले आए अब एन के अंदर अराउंड 1.9 मिलियन जो इन्होंने बोला कि इलीगल माइग्रेंट है इनमें से मेजोरिटी मुस्लिम है ठीक है अब इंडिया बोलता है कि इनको हम भेजेंगे बांग्लादेश लेकिन बांग्लादेश ने दो बार बोल दिया है क्या बोला है बांग्लादेश ने एक तो ये बोला कि एक तो उन्होंने ये भी बोल दिया था उनके जो ऑफिशियल हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश वाले ऐसे नहीं है कि जो इंडिया के अंदर जाएं कहते वो इटली के अंदर जाएंगे ठीक है ये बोल दिया दूसरा बांग्लादेश ने कई बार बोल दिया कि ये इंडिया का जब उनको पूछा गया कि एन कैसा लग रहा है आपको कि एन हो रहा है आप उसके फेवर में है या क्या तो उन्होंने एक बात बोली थी हाँ कैटल स्मगलिंग बोला इन्होंने तो उन्होंने एक बात बोली थी वो बोलते कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है हम उसके बीच में घुसने घुसना नहीं चाहते मतलब क्या है कि मान लो एनआर के अंदर इलीगल माइग्रेंट है वो बांग्लादेश से हैं तो जब इंडिया बांग्लादेश से भेजेगा क्या वो लेंगे कहाँ से लेंगे है ना कोई भी कंट्री इतने लोगों को ऐसे लाखों लोगों को ले जाएगी इंडिया ने दूसरी बात इसी टाइम के ऊपर यूएस के अंदर भी यूएस ने बोला था कि बहुत सारे इंडिया के इंडिया के इलीगल माइग्रेंट यूएस के अंदर हैं तो उसके बाद इंडिया ने यूएस जाना छोड़ दिया ठीक <laughs> है तो इंडिया ने कोई बात ही नहीं की भाई हम उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे तो कोई भी कंट्री ऐसा करती है तो अल्टीमेटली एनआरसी जो है वो कुछ नहीं इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा इवन महाराष्ट्र ने जो ट्रेन के ऊपर पांच मैंने बताया था आपको पांच जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको बांग्लादेश छोड़ने के लिए जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया था लेकिन वेस्ट बंगाल से गवर्नमेंट ने और कुछ लोगों ने ट्रेन में चढ़ के उनको निकाल लिया उसके बाद उनको जेल में रखा हुआ है उसके बाद कोई कुछ भी नहीं हुआ और काफ़ी साल हो गए इसको ठीक है ओके तो ये तो इलीगल माइग्रेंट की बात होगी उसके बाद सिमिलरली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए है ना जिसके अंदर मुस्लिम को छोड़ के बाकिियों को इन्होंने वो सिटीजनशिप देने की बात की है तो यहीं पे भी वही प्रॉब्लम है है ना तो वो भी एक इशू है जो बोलते हैं कि भाई उनकी मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे जो लोग हैं तो इट मीन्स कि उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी ठीक है तो दूसरी बात ये भी है देखो एन के अंदर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं हम उनको निकाल रहे हैं सी के अंदर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो क्राइटेरिया एलिजिबल है तो उसके हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट है उसके बाद दोस्तों मेनली वाटर वाटर के अंदर जो बहुत सारा इशू है ठीक है कौन कौन से इशू है जल्दी से देख लेते हैं वाटर के अंदर ये थोड़े से देखने पड़ेंगे हमें एक तो है गंगा वाटर ट्रीटी एक है गंगा वाटर ट्रीटी ये हुई थी 1996 के अंदर ठीक है जी गंगा वाटर ट्रीटी के अंदर जो 1996 के अंदर हुई थी तो यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया को 40,000 थाउजेंड क्यूसेक क्यूबिक फुट पर सेकेंड जो वाटर है ये मिलेगा नॉर्मली ठीक है अगर मान लो जो लिमिट है ठीक है वो जो वाटर फ्लो है वो लेस देन सेवेंटी थाउजेंड हो जाता है लेस देन सेवेंटी थाउजेंड क्यूसिक हो जाता है तो उस टाइम के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट शेयर करेंगे वाटर फिफ्टी परसेंट इंडिया फिफ्टी परसेंट बंग्लादेश तीसरा इसके अंदर बोला गया अगर वाटर फ्लो मोर देन इवन टू मिलियन ठीक है जी इतना इससे मतलब आप बोलोगे कि इंक्रीज हो गया ठीक है कंडीशन में ले रहा हूँ मान लो टू मिलियन से ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन में वाटर कौन लेगा इंडिया बोलता है कि मैं इस कंडीशन में फोर्टी थाउजेंड ही लूँगा जो पहले यहाँ पे मिल रहा था तो बाकी कहाँ जाएगा ठीक है तो बाकी कहाँ जाएगा दोस्तों बाकी बांग्लादेश के अंदर जाएगा ये है गंगा वाटर ट्रीटी इशू क्या है बांग्लादेश ये बोलता है कि भाई जब पानी कम है इंडिया ले रहा है फोर्टी थाउजेंड जब पानी ज़्यादा है इंडिया तब भी ले रहा है फोर्टी थाउजेंड वो बोलता है जब पानी ज़्यादा है उस जब फ्लो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है सर ए, लाइव क्लास टाइम बताइए देखो लाइव क्लास का टाइम हमारा चार बजे ही है लेकिन जो सैटरडे की क्लास होती है उसका हमने थोड़ा सा एडवांस किया है क्योंकि ये क्लास कई बार लेंथ ही चल जाती है डिपेंड करता है एडिटोरियल कैसे आ रहे हैं ठीक है तो इसलिए उसका थोड़ा सा हमने एडवांस किया हुआ है ठीक है आज आज ही एडवांस किया है ठीक है बाकियों का चार बजे है टाइम ओके तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि इंडिया बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश बोल रहा है चालीस फोर्टी थाउजेंड आप ले रहे हो लेकिन जब वाटर इंक्रीज कर जाएगा उस टाइम के ऊपर भी इंडिया फोर्टी थाउजेंड ले रहा है तो इट मीन्स बाकी कहाँ पे जाएगा बाकी बांग्लादेश के अंदर जाएगा और वहां पर फ्लड आ जाता है वहां पर क्या आ जाता है फ्लड ये है गंगा वाटर ट्रीटी का जो इशू तो हमने देखो इंडस वाटर ट्रीटी कर ली ब्रह्मपुत्रा के अंदर जो भी एग्रीमेंट वो भी कर लिया और तीसरा ये बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी कर ली ठीक है जी ठीक है तीसरा वाटर्स सर प्रेजेंट इलेक्शन के अंदर वो इशू नहीं सर कितनी क्लासेस होती हैं सभी का शेड्यूल बताना प्लीज ठीक है एन सी आर टी विद एम एस के ठीक है दोस्तों तो जो भी क्लासेस होती हैं हमारी मंडे टू फ्राइडे रहती है जो भी अपनी ये चलती है क्या नाम है इसका डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन और सैटरडे चलती है हमारी एडिटोरियल फुल वीक के एडिटोरियल जो भी इंपॉर्टेंट आते हैं आपने एडिटोरियल की क्लास को अपने नोट्स के अंदर जरूर लिखना है क्योंकि एडिटोरियल एक ऐसी क्लास है वहाँ पे आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा हर एक चीज का ठीक है ओके okay. उसके बाद ठीक है उसके बाद तीस्ता तीस्ता रिवर तीस्ता रिवर के अंदर भी यही प्रॉब्लम है ये टू के अंदर एक हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी थी ठीक है तो टीस्टा रिवर के अंदर भी ये बोला गया 42.5 परसेंट इंडिया को दे देंगे थर्टी सी परसेंट बांग्लादेश को वाटर मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे ये थी तो वेस्ट बंगाल बात क्यों है क्योंकि देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ये बोलता है कि हम तीसटा वाटर का रिवर नहीं दे पानी नहीं देंगे इतना ठीक है तो यहाँ पे बांग्लादेश क्या मांग कर रहा है बांग्लादेश मांग कर रहा है फिफ्टी परसेंट की जैसे वो गंगा वाटर ट्रीटी के अंदर फिफ्टी परसेंट उसको मिलता है वो बोलता है यहाँ पे भी फिफ्टी परसेंट हमें दिया जाए ठीक है लेकिन वेस्ट बंगाल कहता है कि भाई ये छोड़ो आप ऐसा करो तोरसा रिवर का जो वाटर है वो ले लो ठीक है जी तोरसा रिवर से वाटर ले लो आपको वो नज़दीक पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है तीसटा रिवर के बारे में उसके बाद इन्होंने एक और रिसेंटली एग्रीमेंट किया है फैनी रिवर का फैनी रिवर हमने पढ़ा हुआ है ठीक है जी कहाँ है दोस्तों ये अपना त्रिपुरा के अंदर ठीक है जी त्रिपुरा के अंदर तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट किया कि जो इंडिया इस रिवर से फैनी रिवर से इंडिया वाटर यूज़ कर पाएगा अराउंड आई थिंक वन पॉइंट क्यूसेक है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन इतना की है ठीक है तो वहाँ पर इंडिया पानी यूज़ कर सकेगा अब इसका बेनिफिट क्या होगा इसका बेनिफिट होगा सबराउन सबरा रीजन जो है त्रिपुरा का वहाँ पे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो हमने ये किया भी हो है और गवर्नमेंट ने अभी उसके अंदर जो अपडेशन भी की थी मैत्री ब्रिज ठीक है बिल्कुल सही है ठीक है जी ठीक है तो ये तीन रिवर के जो केसेस हैं वो हैं अब एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है वहाँ पे एक और इशू है उसके अंदर देखो जो आपकी गंगा आती है इधर से ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने एक फरक्का ब्रिज बना दिया है बैरेज सॉरी फरक्का बैरेज बना दिया है ठीक है जी फरक्का बैरेज क्यों बना दिया है देखो यहाँ पे जाती है अपनी बागीरथी हुगली रिवर और यहाँ पे है अपना कोलकाता पोर्ट ठीक है जी पोर्ट है तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सिल्टेशन आ जाती है बहुत सारी सिल्टेशन आ जाती है सिल्टेशन क्यों आती है सिल्ट इकट्ठी हो जाती है क्योंकि वाटर का फ्लो कम होता है तो उन्होंने एक आइडिया निकाला इन्होंने बोला गंगा के ऊपर बना लेते हैं फरक्का बैरेज अब फरक्का बैरेज से एक यहाँ पे पौंड बना दिया क्योंकि जो आपकी हुगली और ये इसकी कनाल जो कनेक्ट करती है ये है टेन मीटर हाई ये इसकी हाइट टेन मीटर हाई है गंगा की कंपेरिजन तो इट मीन्स के पानी यहाँ से ऊपर ले जाकर इसके अंदर डालना पड़ेगा अब जब टेन मीटर हाई है यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया एक पौंड बना दिया अब इस पौंड के चक्कर में जो पानी स्टोर करते हैं तो यहाँ पे जो बहुत सारी सिल्ट इकट्ठी होगी और उसके कंटेक्स के अंदर जो पीछे बिहार के अंदर भी वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने भी इसको अपोज़ किया कि इसको पॉन्ड को हटाओ ठीक है तो अब देखो पानी उठा के हमने इधर डाल दिया तो यहाँ पे भी बांग्लादेश बोल रहा है कि आपने पहले ही बहुत सारे गंगा के ऊपर डैम बनाई हुई उसके बाद ये फरक्का बैरेज भी बना दिया यहाँ से इसको वाटर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैसे ही बहुत कम पानी आता है और बांग्लादेश बोलता है जब सिल्ट आती है हमारे पास तो जो पैडी है उसके लिए खराब है तो हमारी हो जाती है, ठीक है? और मैंग्रोवैक्ट पड़ रहा है तो ये सारा उसका 360 डिग्री था। ठीक, ठीक तो बांग्लादेश और इंडिया की जो टाइज है हिस्टोरिकल क्या है जब हमने उनको आजाद करवाया उसके बाद जो 1991 के बाद जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई वहां पे तो उसके बाद रिलेशन जो ठीक है ठीक है ओके इशू कहां है टीसटा वाटर इशू मैंने क्लियर कर दिया आपको ठीक है जी एनआरसी क्लियर कर दिया उसके बाद क्या है हाँ कि बांग्लादेश की जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो इनक्रीज़ कर रही है ठीक है तो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया को अगर साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी लानी है तो जितने इसके नेबर्स हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों वहाँ पे एक अच्छा रिलेशन रहना चाहिए लेकिन जैसे जैसे चाइना उन ए, ए, नेशन के अंदर इनक्रीज़ कर रहा है वहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ठीक है जो इन्होंने बताया था कैटल एक्सपोर्ट के बारे में बात करी क्योंकि कैटल जैसे मान लो बैन कर दी इंडिया के अंदर है ना तो जब इंडिया के अंदर बीफ बैन कर दी तो जो बहुत सारी इलीगल कैटल ट्रेडिंग चलती है उसको भी ये कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भी इसके अंदर मारे जाते हैं जब हम कर्व करने की कोशिश करते हैं दिवेश कह रहे हैं प्लीज़ रिपीट वंस अगेन क्या कौन सा कंसेप्ट दिवेश बताना ठीक है उसके बाद वाटर का मैंने आपको बता दिया वाटर वाला भी सारा इशू तीन रिवर के अंदर डिस्कस कर दिया बांग्लादेश इज डूइंग ग्रेट जॉब रेदर देन इंडिया इन डिजिटल दिवेश बताओ कौन सा टॉपिक रिपीट करना है ओके okay. तब बताओ तब, तब तक मैं करवाता हूँ ठीक है सिटीजन और माइग्रेंट ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे माइग्रेंट यहाँ पर आए हैं एन के अंदर इवन एनआरसी के अंदर दोस्तों ब्रिटिश टाइम के ऊपर जब मुस्लिम लीडर थे आसाम के अंदर वो क्या करते थे जो लेबर लेके जाते थे हम आसाम के अंदर जो टी के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुस्लिम लोगों को वहाँ भेजा गया वहाँ पे जो लीडर थे उनका ये मानना था कि इस एरिया के अंदर अगर असम के अंदर ज़्यादा मुस्लिम होंगे ऑल दो ऑफिशियल ऐसी कोई जजमेंट नहीं है लेकिन जो बताते हैं कि उनके पीछे उनका रीज़न था कि बहुत सारे हम जो जैसे ये बनेगा पाकिस्तान अपना ईस्ट बंगाल मतलब जो अभी पाकिस्तान बना बना था उस टाइम पे तो वहाँ पर असाम के एरिया को भी हम पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड कर, कर सकते हैं इसीलिए वहाँ पर उनको इनक्रीज़ करना था ठीक है तो ब्रिटिश ने वहां पे उस टाइम के ऊपर स्लोगन दिया था जब वहां पे लेके जा रहे थे लोगों को कि ग्रो मोर फूड और इन्होंने जब बहुत सारे मुस्लिम लोग वहां पे पहुंच गए तो उन्होंने ब्रिटिश ने बोला कि ये ग्रो मोर फूड नहीं है ये ग्रो मोर मुस्लिम है तो ये एक बात थी उसके अंदर ठीक है कितना सच है कितना नहीं ये तो भगवान जाने हम नहीं वाटर इशू लास्ट वन लास्ट वन कौन सा अच्छा ठीक है गंगा वाला मैं करवाता हूँ इसके बाद अब चाइना फैक्टर चाइना फैक्टर जो बांग्लादेश आपको पता है पाकिस्तान ने गोद लिया वो उसको सॉरी चाइना ने पाकिस्तान को तो वहाँ पे तो बहुत सारा जो आर्म्स वगैरह एक्सपोर्ट करते ही करता है लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी एक्सपोर्ट बहुत करता है तो चाइना चाएन, सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्ट है वहाँ पर तो आपको पता है जितना जितना चाइना का होल्ड होगा उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये हमने डिस्कस किया उसके बाद नेपाल और भूटान देखो बी बी आई एन एक था ठीक है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल यहाँ पे रोड और जो आपकी जो रेलवे है उसका कनेक्ट करना था ठीक है इसके अंदर भूटान ने मना कर दिया उनकी पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुआ उसके बाद अफगानिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मैंने हमने ये तो बहुत ही डिटेल के अंदर किया हो कि तालिबान का इनक्रीज़ हो रहा है और अभी जो डील होगी क्या होगी उसके हिसाब से वो चलेगा तो ये हमने ए टू जेड डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है ठीक है उसके बाद लैंड बॉर्डरी एग्रीमेंट देखो यहाँ पे देखो बांग्लादेश ये आपका आ गया वेस्ट बंगाल ये आ गया आसाम ठीक है उसके बाद चले जाओ इधर आप त्रिपुरा ठीक है ये मेघालय होता क्या कि मान लो ये एक बॉर्डर है ठीक है सपोज करो ये इंडिया है और ये अपना बांग्लादेश है कुछ इंडियन यहाँ पे उनकी कलोनीज़ हैं कुछ बांग्लादेश वाले यहाँ पे उनकी कलोनीज़ हैं तो मतलब बांग्लादेश वाले इंडिया के साइड पे हैं और ये इधर साइड पे हैं इसीलिए कोई बॉर्डर की डिमार्केशन प्रॉपर नहीं थी तो इन्होंने बोला कि बहुत सारी कलोनीज़ हैं जो बांग्लादेश वाली हैं वो उधर भेज दो और जो इंडिया वाली हैं इधर भेज दो इसीलिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ठीक है तो उसके तहत इन्होंने क्या किया 2015 के अंदर जो इंडिया ने 111 सौ बॉर्डर इनक्लेवस हैं वो ट्रांसफर की बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने फिफ्टी ट्रांसफर की इंडिया को ठीक है और इट मींस कि जो उस एरिया के अंदर लोग रहते थे ठीक है उन लोगों को क्या चाहिए था उनके पास सिटीजन नहीं सिटीजनशिप नहीं थी तो इट मीन्स कि अब वो अपनी अपनी कंट्री के अंदर चले गए तो अब उनको सिटीजनशिप मिल सकती है लेकिन क्या मिली तो अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन मौसम ठीक है इन्होंने ये बताया कि भाई उन लोगों के पास तो लैंड रिकॉर्ड भी नहीं है ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है ठीक है तो उन्होंने सजेशन दिया था कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाए और सभी को उनके पास वो इंक्लूड किया जाए उसके पास ठीक है जी ओके इकोनॉमिक कोपरेशन बांग्लादेश और इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हम हमने जो भी साउथ एशिया के अंदर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं प्री के लिए उनका ऑर्डर देखना है लेकिन वो ऑर्डर देखेंगे अभी जो गवर्नमेंट लेटेस्ट रिलीज करेगी मार्च अब अप्रैल के अंदर देख लेंगे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ है उसके साथ कम क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है अभी कोविड का टाइम और चेंज हुआ होगा ठीक है रोड और रेलवे ब्रिज के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की गई है ठीक है उसके बाद टूरिज्म आपको पता है कि इंडिया एक बहुत सारा मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर प्रोवाइड की जाती है और इंडिया के अंदर बहुत से लोग फॉरन से भी आगे इलाज करवाते हैं ठीक है ये तो हो गया बांग्लादेश के अंदर से भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ऑल बांग्लादेश वाले कहते हैं हम इटली जाएंगे इटली तो जाओगे लेकिन वो बुलाएँगे ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो ठीक है ओके कनेक्टिविटी बूस्ट उसके बाद ये आपने इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लेना आपकी मर्जी से मेन्स के लिए ठीक है मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कलकत्ता अगर अगरतला उसके साथ हमारा जो बस सर्विस स्टार्ट की गई मैत्री से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ठीक है शिपमेंट ऑफ गुड्स उसके लिए भी अलग अलग पोर्ट से कनेक्टिविटी in, इनक्रीज़ की गई जब आप मेस में लिखोगे कोई भी वन एक या दो एग्जाम्पल जो भी आपको याद रहती हैं कि हमारी कनेक्टिविटी कैसे बूस्ट हुई है उसकी दो चार एग्जाम्पल आपको चाहिए तो वो उनमें से आपके पास फ्रीडम है कोई भी उठा लेना यहाँ से ठीक है उसके बाद अब मैंने ये भी बताया था कि जितना बांग्लादेश से कनेक्टिविटी होगी उतना ही नॉर्थ ईस्ट से हमारा कनेक्शन बढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पे बांग्लादेश के हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है बात ये करते हैं बांग्लादेश हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया को स्टेबल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट एरिया के थ्रू हम क्या करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाएंगे तो उसके कनेक्शन भी मेंटेन करने इसलिए हमें साउथ ईस्ट एशिया नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी चाहिए इसके लिए हमारे बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर मान लो बांग्लादेश हेल्प करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेबल होता है उसके थ्रू हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाएंगे और हमारा जो वहाँ पर जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा ठीक है तो एडिटोरियल लास्ट के अंदर लिखता है कि जो भी मोमेंटम है उसको हमने मेंटेन रखना है ठीक है तो ये बोलता है कि जो बड़ी कंट्री कौन सी है इंडिया तो जो ऑनर्स है वो सारा किसके ऊपर है इंडिया के ऊपर और हमने कॉपरेशन कोलेबरेशन और कंसोलिडेशन ये आप किसी भी कंट्री का जो भी आप ए, के पास जो मीनस के अंदर आपको पूछा पुछ, जाता है किसी कंट्री के साथ रिलेशन वहाँ पे ये आप लाइन चिपका सकते हो कोई कॉपरेशन कोलेबरेशन और कंसोलिडेशन चाहिए ठीक है चाहे होता कुछ नहीं है लेकिन आपने कर देना है ठीक है अब उन्होंने पूछा था कि वो बता दो थोड़ा सा मैंने ये बताया था कि जो ठीक है मैंने ये बताया था कि गंगा जो गंगा है वहाँ पे फरक् बैरेज बना दिया हमने ठीक है ये किस लिए बनाया है पानी इकट्ठा करके हमने भेजना है ये अपना भागीरथी हुगली रिवर के अंदर ताकि हमारा जो कलकत्ता पोर्ट है उसके अंदर पानी का फ्लो कम था तो सिल्टेशन होती थी तो हम पानी का फ्लो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं बांग्लादेश क्यों रो रहा है वो बोलता है भाई पानी आप इधर भेज रहे हो पहले भी आपने डैम बनाए हुए हैं तो हमारे पानी मिलता नहीं है जब पानी कम होगा हमारी राइस और मैंग्रोव्ज़ ये ख़राब हो जाएंगे तो बांग्लादेश यहाँ पर बोलता है कि पानी इनक्रीज़ करो सवाल ये होता है कि जो यहाँ पर कनाल कनेक्ट करती है उसकी जो हाइट है है ना मान लो ये आपका रिवर है तो उसकी हाइट थोड़ी सी इन्होंने इनक्रीज़ की हुई है इतनी इतनी हाइट पे है तो यहाँ से पानी ऊपर कैसे जाएगा इसीलिए इन्होंने एक यहाँ पे पौंड बना दिया समझो ये मान लो इतनी इतनी हाइट ये इसकी है ये आपकी जो कनाल है पानी यहाँ से हमने यहाँ पे पहुँचाना है ताकि आगे जो कोलकाता पोर्ट के ऊपर जा सके लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं इसलिए इन्होंने पौंड बना दिया यहाँ पे उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है और ये इधर निकलता है अब जब पौंड बना दिया पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे जो बहुत सारी सिल्ट है वो भी इकट्ठी हो जाएगी इसी सिल्ट को लेके बिहार वाले जो उनके मंत्री हैं वो भी बोलते हैं कि भाई ये यह यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बांग्लादेश तो बोलेगा ही बोलेगा भाई हमारे पास तो पानी आ ही नहीं रहा तो ये इसका इशू है ठीक है इसके अंदर ठीक है उसके बाद एन एक्ट आपको हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की हुई है ये भी सेवनटीन मार्च ठीक है वहाँ पर हम मैंने बताया भी था आपको तो थोड़ा सा हम एक और अपडेशन इसके अंदर देखते हैं क्या है तो देखो बहुत सारे आर्टिकल वो रिपीट होते रहते हैं इवन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैंने बताया वो भी सेम था अब ऐसे में हम कुछ ना कुछ और टॉपिक भी उठाते हैं कि किसी दिन इन्वेसिव स्पीसीज के ऊपर उठा लिया ठीक है जो भी आपको डाउट्स रहती हैं उसके अंदर कोई ना कोई टॉपिक उठा के हमने थ्री डिग्री कवर कर देना है तब तक ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि देखो ए, किसी भी कंट्री के अंदर सेंटर है स्टेट है ठीक है ये रिलेशन चलता है अगर आप यूएस के अंदर देखोगे यूएस के अंदर प्रॉपर सेंटर स्टेट का वो प्रॉपर एग्रीमेंट है तो इसको फेडरलिज्म बोल दिया गया ठीक है शेयरिंग ऑफ पावर जो है उनके अंदर प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू है इंडिया ने बोला कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हम फेडरलिज्म नहीं लिखेंगे इंडिया ने नहीं लिखी जब डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर तो उन्होंने बोला फेडरलिज्म नहीं लिखेंगे क्योंकि इंडिया का स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंडिया के अंदर इसलिए इंडिया को सीडो फेडरलिज्म भी बोला जाता है सीडो फेडरलिज्म उसी टाइप का है क्यों कभी कभी देखो सेंटर स्टेट का रिलेशन प्रॉपर है हमारे लेकिन कभी जैसे प्रेजिडेंट रूल लग गया उस टाइम पर कौन पावरफुल हो जाती है सेंटर तो इंडिया के अंदर ये बोलते हैं कि भाई सेंटर जो है वो स्टेट को यूटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती है ठीक है और उसको मर्ज भी कर सकती है दो स्टेट्स को तो इसलिए जो सेंटर है मोर पावरफुल है लेकिन नॉर्मली जो स्टेट के पास पावर रहती है कभी कभी क्या होता है कि सेंटर जो ज्यादा हाँ सीडो और क्वासी सेम है ठीक है सीडो फेडरलिज्म और क्वासी फेडरलिज्म ठीक है क्वासी मतलब फेडरलिज्म लाइक सीडो मतलब वो भी उसका उल्टा हो गया ठीक है तो मतलब जो ट्रू फेडरलिज्म नहीं है सीडो ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ सेंटर और स्टेट का प्रॉपर रिलेशन था तो कई बार क्या होता था कि जो प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वो सेंटर स्ट्रांग होगी इसीलिए हमने सेंटर हमारे पास अब क्या है यूटी है यूटी विद लेजिस्लेचर यूटी विद लेजिस्लेचर ठीक है स्टेट्स हैं प्रॉपर उसके बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर ये सारे हैं इस टाइप के तो पहले स्टेट वाला जो कंसेप्ट हम देखते थे पावर शेयरिंग ये तो हमारा था फेडरलिज्म के कंटेक्स के अंदर आ गया लेकिन यहाँ पे देखो कई यूटी के पास लेजिसलेचर है कई नई लेजिस्लेचर तो डिफरेंट टाइप के हमने एक पावर शेयरिंग बनाया इसको बोल दिया ए समेट्रिक फेडरलिज्म ए समेट्रिक फेडरलिज्म तो ये आपने याद रखना है इशू क्या है दिल्ली के अंदर 239 आर्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे पहले एलजी के पास पावर थी बाद में इन्होंने ए ऐड कर दिया 239 एए ठीक है उसके अंदर दिल्ली को जो लेजिस्लेचर बना दी सेंटर ये कहती है कि भाई एल की पावर चलेगी अकॉर्डिंग टू टू थर्टी नाइन ये बोलते हैं कि भाई नहीं उसकी पावर चलेगी दिल्ली की गवर्नमेंट बनी है ठीक है टू थर्टी नाइन ए ए के अंदर इसीलिए ये दिल्ली की गवर्नमेंट लोगों ने बनाई है तो इसलिए दिल्ली की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके पास भी पावर है ये इनके दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट है तो टू के अंदर सुप्रीम कोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो एल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानेगा ठीक है उसके बाइंड है तो अब कन्फ्लिक्ट उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कम बोल दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है उसके हिसाब से एलजी काम करेगा लेकिन ये मोरलिटी क्या है ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो ऐसी चीजें थी जिसके अंदर कुछ इंटरप्रेट नहीं किया प्रॉपरली भी क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने उसके बाद जो सेंटर है सेंटर ने बोला कि भाई यहाँ पर कन्फ्लिक्ट दोनों के अंदर कभी स्टेट बोलती है कि एलजी ने यह काम नहीं करने दिए एलजी बोलते हैं जी स्टेट ऐसा कर रही है तो यहां पे इन्होंने एक नई अमेंडमेंट ले आए नई अमेंडमेंट ले आए जिसके अंदर इन्होंने जहां पे भी गवर्नमेंट लिखा था जहां पे भी गवर्नमेंट लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया एल जी से डेली गवर्नमेंट ये बोल रही है भाई अगर आपने गवर्नमेंट की जगह एलजी लिख दिया तो लोगों को किसने सेलेक्ट किया था ठीक है लोगों लोगों ने तो दिल्ली गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया लेकिन वहां पर अनिलेक्टेड बंदा एल जिसको लोगों ने नहीं इलेक्ट किया तो इसलिए उसको आप डाल रहे हो तो इट मीनस कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है है ना ये तो लोगों के लोगों का जो ट्रस्ट है जो उनकी जो एस्पिरेशंस है उनके खिलाफ है तो ये इसके अंदर इशू है ठीक है तो अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर ये मैंने करवाया हुआ था आपको पहले ठीक है ये दिल्ली के अंदर टू थर्टी नाइन डबल ए है जिसके अंदर बोला गया पावर अपना सॉरी पब्लिक पुलिस और ये लैंड वाला ये इशू किसके अंदर है ये सेंटर करेगी और बाकी दिल्ली को दे दिया गया ठीक है ये हमने डिस्कस किया हुआ है उस क्लास के अंदर पूरा डिटेल के अंदर जिसने नहीं देखा वो उस क्लास को भी देख सकता है उसके अंदर वीडियो ठीक है अब इशू क्या है मैंने बता दिया आपको टू थर्टी नाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एल जी जो है वो इंडिपेंडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि टू थर्टी डबल ए के अंदर क्या है लेजिस्लेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इसलिए उनकी भी चलेगी टू थाउजेंड एटीन के अंदर सुप्रीम कोर्ट आ गई उसने बोला एल जी क्या है बाउंड है ठीक है एड एंड एडवाइस के जो सी ओ एम के ठीक है ये भी हो गया हमारा उसके बाद यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दिया था उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट नहीं की प्रॉपरली ठीक है कि एक उसने बोल दिया कलेबोरेटिव क्ला, फेडरलिज्म चाहिए है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एलजी को काम करना होगा तो लेकिन ये बातें को इंटरप्रेट कौन करेगा ठीक है दूसरी बात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काम है जो एल जी प्रेजिडेंट के लिए रेफर करता है उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल ऐसे छोड़ दिए गए कि बहुत ईजिली ही आप मिस यूज़ कर सकते हो पावर का यह तो खेल हो गया अब गवर्नमेंट आ गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपना ले, ले आते हैं क्या, क्या क्या किया गया इसके अंदर एक्ट था 1991 का ठीक है इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा था अब वो क्या हो गया उसका मतलब एलजी है दूसरा पहले एलजी रिजर्व करता था बिल फ्यू मैटर के लिए अब उसने क्या बोल दिया इंसीडेंटली कवर मतलब जो पहले एक एरिया के अंदर लिखा होता है मान लो यहाँ पे लिखा है ठीक है और उसका इंपैक्ट कहीं और पड़ रहा है वो भी मैटर उसके अंदर उठा के डाल दिए ठीक है तीसरी बात बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी दिल्ली की वो किस हिसाब से चलती थी जो भी रूल एंड कंडक्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली का लेकिन अब उन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो लोकसभा है लोकसभा के हिसाब से जो भी लोकसभा रूल कंडक्ट uh, है वो इसके अंदर वो चलेंगे ठीक है उसके बाद एग्जेक्टिव डिसीजन अंडर एल नेम होते थे अब उन्होंने क्या कर दिया कि एल का ओपिनियन लेना जरूरी होगा कोई भी आप एग्जेक्टिव ऑर्डर जो भी आप देते हो उसके लिए ओपिनियन के लिए तो एल का वहाँ पर ओपिनियन मतलब क्या है मतलब ये है कि आपको क्या चारों के चारों याद करने हैं नहीं आपको दो तीन चीज़ें याद करनी है एक तो गवर्नमेंट की जगह एल रखती है और एल को ज़्यादा पावर देती है बस ये दो तीन आपको याद होनी चाहिए ठीक है ठीक है ये भी बताओ अच्छा ठीक है नहीं सही है ओके okay. मेरे पास दिमाग में एक क्वेश्चन आया था अभी भूल गया चलो आएगा तो पूछूंगा ठीक है तो एन तो ये बिल वगैरह अपना हो गया लेकिन क्या सवाल ये एक और है जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि क्या दिल्ली को आपने स्टेट हुड देना या नहीं देना देखो दिल्ली की बहुत सारी बहुत टाइम से डिमांड है लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और नेशनल कैपिटल के अंदर आप बहुत देखो यू एन आ रहे हैं कोई अफ्रीका से और बड़ी बड़े बड़े जी है ना तो ये इतने मेंबर आ रहे हैं तो इसलिए दिल्ली की सिक्योरिटी ज़रूरी है इसीलिए इसको इन्होंने सेंटर ने अपने पास रखा हुआ तो उसको बोला था हम स्टेट हुड नहीं देखे और भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो नेशनल कैपिटल है वो उनके डायरेक्ट अंडर ही रहती है ठीक है क्योंकि सेंसिटिव एरिया रहता है नेशनल कैपिटल तो ये तो हो गया ठीक है अब क्या इसकी ज़रूरत है जो अब बिल लेके आए एक तो देखो पहले आपको पता है एल और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर बहुत से कन्फ्लिक्ट रहते थे अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने मैंट किया वो ये बोलती है कि अब ये काम नहीं होगा अब स्मूथ कर दिया काम हमने ठीक है तो अब वो बोलते हैं कि भाई ये कोई इसके अंदर जो भी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बहुत सारा जो कन्फ्लिक्ट रहता है दिल्ली और ए, सेंटर के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि इस बिल से वो कन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा ठीक है तो ये उसने सब कुछ बता दिया कि अब अब क्या प्रमोट होगा कॉपरेटिव फेड अब दोनों कॉपरेट करेंगे ठीक है तो जो भी इंटरप्रिटेशन थी उसके अंदर जितनी भी एम्बिग्यूटीज जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी उसने सॉल्व कर दी तो ये गवर्नमेंट का वाई यू कॉन्ट टीच ऑन इन इंग्लिश मैं भाई मैं चाहे मुझे किसी भाषा में बुलवा लो मैं बता दूंगा लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी के अंदर पढ़ते हैं ठीक है उनको इंग्लिश में समझ नहीं आता तो इसीलिए मैं थोड़ा उसमें हिंदी में रखता हूँ ठीक है अगर हम आप मेरा पहला लेक्चर देखोगे उसके अंदर ज़्यादातर इंग्लिश ही है बाद में थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ा तो कंसर्न क्या है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है मैंने बता दिया फेडरलिज्म का जो इक्वी है उसके अगेंस्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया देन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो उसके अंदर बोला था एल जो बाउंड है तो उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया ठीक है ये है दूसरी साइड हमने दोनों साइड देखनी है अगर एग्जाम देना है ठीक है उसके बाद दिल्ली की जो फुल स्टेट हुड है उसको भी सेटबैक है मतलब अगर आपके पास जो अभी पावर्स थी वो भी नहीं रही तो आप भूल जाओ कि आपके ऊपर कभी फुल स्टेट हुड मिलेगी है ना देन अटोनमी जो दिल्ली गवर्नमेंट की जैसे आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बहुत से इन्होंने बनाए उसके अंदर भी जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए लैंड चाहिए थे उसके अंदर भी इशू आता रहा कि जो एल ने रोक दिया कि लैंड लैंड क्योंकि उनका सब्जेक्ट है तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे जो रीज़न थे अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट तो उन्होंने ये बोला ठीक है तो ये इशू रहेंगे रहेंगे ठीक है ठीक है जी तो ये हमने सारा काम कर लिया आज का आज का लेक्चर क्यों छोटा था आज का लेक्चर इसलिए छोटा था कि बहुत सारे जो टॉपिक है हमने पहले ही कवर किए हुए हैं डिटेल के अंदर तो इसलिए अब जो हमने किया कवर वो क्या है वो उससे एक्स्ट्रा उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है उस कंटेक्स के अंदर था ठीक है तो कल अपना छुट्टी है संडे संडे और मंडे को हमारी क्लास होगी तो मंडे को हम मंडे के करंट अफेयर भी करेंगे और जो कल हमारे रह गए थे वो भी हम करंट अफेयर करेंगे ठीक है जी ठीक है वाटर सप्लाई इन दिल्ली इज़ बिग इशू ठीक है देखेंगे जो यमुना के कंटेक्ट के अंदर देखेंगे यमुना एक्शन प्लान के अंदर देखेंगे वहाँ पर क्या क्या इशू है सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडे आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और अपनी जो रिवीजन है और उसको कंटिन्यू कीजिए और मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि प्री के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आ सके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे